कानों से नहीं हृदय से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। बोली कि पल्लू गडरी मावड़ी तने अर्ज करू करी जोड़ी, साधुना जी कोतिवाल हे मैया मारे सिरी माथी कामो। किसी मां भगवती की एक नाम नहीं है, तीन नाम है श्री भाई। अरे हल्का हल्का म्यूजिक देते रहो। तीन नाम है, मां ब्रह्माणी, वही मां कालका और वही मां सरस्वती। कि ब्रह्माणी कालिका मां सरस्वती हे मैया आप कही जो जोरी, पल्लू गडरी जगदम्बा धनी अर्ज करूं कर जो। ये पल्लूगढ़ आज आपका जो ये गांव है, ये किस प्रकार से बसा था, मात्र ऐतिहासिक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं, अंतरात्मा से सुनिएगा। बोली हो माता ब्रह्माणी हे मैया आप बड़ी उपकारी हो जी, छत्तीस कौम परी हो कृपा कीजे, भगितायु परी कृपा कीजे। अरे पल्लू गडरी माइयो ब्रह्माणी आप बड़ी उपकारी, विख्यात नहीं था। पल्लू गांव का नामकरण 725 साल पहले हुआ था, 725 वर्ष पहले इसका नाम पल्लू पड़ा, पहले इसका नाम पल्लू नहीं था। इस गांव का नाम था पहले कोट कलूर, आपके पल्लू गांव का पुराना नाम था कोट कलूर।
आपके हनुमानगढ़ के पास में इस बेल्ट में इधर से एक बारिक साहब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिक्कर। सिक्कर के एक राजा थे, राजा ने अंतरात्मा से परमात्मा की मालिक की भक्ति करी, खूब स्तुति करी। उस समय उनको माँ जगदम्बा ने साक्षात दर्शन दिए और राजा ने बोला कि बोले मातेश्वरी मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या आदेश है? तो बोला पुत्र मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, तू सिक्कर से उत्तर दिशा की ओर जा और जहां तुझे उचित स्थान लगे, जहां तुझे एक सात्विक भूमि लगे, एक आध्यात्मिक भूम लगे, वहां जाकर के तू अपना राज्य स्थापित करना। कहां का राजा? सिक्कर का राजा। और उत्तर दिशा में जाने का उसको आदेश दिया। सिक्कर का राजा इस बेल्ट में ये पट्टा और वो उत्तर की ओर आया और आपका जहां ये पल्लू है यहां पर उसने कोट कोल्लूर नाम का ये राज्य स्थापित किया। ये 1500 साल पहले की बात सुनिएगा। सिक्कर वाला राजवी मां भक्ति कर ली भारी, अरे उत्तर दिशा में राज करेला, उत्तरी दिशा में राज करोला, ओ मावरी नाम दिराई ओ ब्रह्माणी आप बड़ी उपकारी। समय बीत गया सर, मैं भी यहाँ 4 साल पहले आया था, आज 4 साल बीते, कुछ
पता ही नहीं चला। तो एक यहां से एक इधर इस साइड में आपका एक शहर पड़ता है सूरतगढ़। क्यों सर सूरतगढ़ है ना इधर? सूरतगढ़ का प्राचीन नाम था रंग महल। सूरतगढ़ का पुराना नाम था रंग, जैसे आपका यहाँ का कोट कलूर था ना, वैसे ही सूरतगढ़ का पुराना नाम था साहब रंग महल। रंग महल का एक राजा था, वो बड़ा शिव भक्त था। देखिए आपके सिकर वाले यहाँ के जो राजवी थे वो कौन थे? वो माताजी के भक्त थे, वो शक्ति के उपासक थे। और वो किन का उपासक था? शिव का उपासक था। कहाँ का? रंग महल का, सूरतगढ़ का राजा। तो पहले ये परंपरा थी, ये चलन था, युद्ध होते थे, एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था, वहां की जमीन ले लेता, अपने अधीन कर देता। तो सूरतगढ़ के राजा रंगमेल के राजा ने आपके इस कोट कल्लूर इस पल्लूगढ़ पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। उस समय यहां के राजा ने मां ब्रह्मणी को याद किया, बोले हे मावड़ी आज थारी शरण हा मां, बाकी आज पूरा नरसंहार हो जावेला। उस समय मां ब्रह्मणी ने हुक्म दिया, बेटा वो राजा बहुत शक्तिशाली है, रंग महल सूरतगढ़ का राजा बहुत शक्तिशाली है, उसकी सेना का मुकाबला तुम्हारी सेना कदापि नहीं कर सकती, इसलिए तुम ये पल्लूगढ़ ये कोट कलूर छोड़ करके यहां से चले जाओ। तब उसको मन में ग्लानी आई, बोले कि हे मां मैं आपका उपासक हूं, मेरे पूर्वज आपके उपासक थे, आज मुझे ये बोल रहे हो कि उसकी शक्ति उसकी सेना बहुत बड़ी है, तुम जीत नहीं पाओगे। हे मां फिर आपको मैं अपनी कुलदेवी मानता, उसका क्या मतलब रहेगा? सुनिएगा विचार कीजिएगा। बोला कि मां आप तो मेरी कुलदेवी हो, आप मुझे हुक्म दे रही हो कि तुम हार जाओगे चले जाओ, फिर आपको माता मानने से क्या मतलब रहेगा, फिर ब्रह्माणी नाम का पूजन करने से क्या मतलब रहा? तब मां ब्रह्माणी ने बोला कि पुत्र मैं तुम्हारी कुलदेवी बाद में हूं, पहले मैं शिव की अर्धांगिनी हूं, पहले मैं शंकर भगवान की धर्म पत्नी हूं, उस रंगमेल के राजा को शिव का आशीर्वाद है, वो शिव भक्त है, इसलिए बेटा मैं तुम्हारी यहां रक्षा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुझे यहां से प्रस्थान करना पड़ेगा। ये बात उस राजा को तो समझ में आ गई, वो राजा यहां से चले गए। लेकिन यहां की जनता ने, यहां की प्रजा ने और यहां के सैनिकों ने, वहां के सेनापतियों ने डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि हम इस कोट कलूर को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम सेना के साथ युद्ध करें भले ही हमें वीर गति प्राप्त क्यों नहीं हो। सजनों मां जगदम्बा का देवी का वो कथन था, वो सत्य होने वाला था। लेकिन राजा यहां से चले गए और जो यहां के सैनिक और जो सेनापति थे जो कोर्ट के रक्षक थे वो उस सेना के साथ भिड़ गए। और सजनों कुछ ही क्षणों में कोट कल्लूर की सेना का सर्वनाश हो गया, यहां की सेना यहां के तमाम सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए और आपके इस कोट कलूर पर रंग महल सूरतगढ़ के राजा का आधिपत्य, यहां उसका हुक्म, यहां उसका अधिकार हो गया और यहां फिर वो राजा यहां से चले गए। सुनिएगा, रिज रंग महली को रे भाई सूरतगढ़ को राजा शिव भक्त बड़ो परतापी कहाई, Oh,
अंतर में बताऊं, आपका ये पल्लूगढ़, ये कोट कलूर पूरी तरह से ये पूरा तबाह हो गया। ये पूरा पल्लूगढ़ कोट कलूर वीरान हो गया। उस समय यहां पर भोजाजी भाटी नाम के एक माताजी के भक्त थे, वो यहां आए। और आज आपका जो मेन पल्लूगढ़ है, पल्लू गांव है ये, इसके बीच में एक पहले खेजड़ा हुआ करता था बहुत बड़ा, चौधरी साहब देखा आपने तो? हाँ बिल्कुल। उस खेजड़े के नीचे उन्होंने विश्राम किया। किन्होंने? भोजाजी भाटी ने। अब आपको पता आदमी विश्राम करता थका हुआ आता साहब, तो उन्होंने थोड़ी नींद ली, झपकी आ गई नींद की। उनको जब नींद आई तो नींद में माँ ब्रह्माणी ने उनको आदेश दिया, रे बेटा मैं यहाँ की इस पल्लूगढ़ की कुलदेवी हूँ और ये पूरा क्षेत्र वीरान हो गया है। राजा ने तो मेरे हुक्म की पालना करी थी, लेकिन यहाँ की प्रजा ने और यहाँ के सैनिकों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम मेरी पूजा करो। तो भक्ता भोजाजी भाटी ने यहाँ रुक करके और माँ भवानी के मंदिर की नींव रखी, माता जी की पूजा अर्चना वापस प्रारंभ कर दी भोजाजी भाटी ने। अब एक हरियाणा में गांव पड़ता सहारनपुर, वहां का एक राजा था जिसका नाम था सिया और उसका बेटा था सहवाग। सिया सहारनपुर का और उनका बेटा था सहवाग। फिर ये क्षेत्र चौधरी समाज के अधीन आ गया, जाट समाज के अधीन आ गया। और सहवाग की एक पुत्री थी जिसका नाम था पल्लवी, उस बच्चे का नाम था पल्ल, उसको कई जगह इतिहास में उसको पल भी बोला गया है, कहीं कहीं उसको पल्लवी भी बोला गया है। तो सहारनपुर का वही सिया चौधरी, सिया चौधरी जी के बेटे सहवाग, उसकी पुत्री, वो यहां आए और उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, यहां पर अपना अधिकार कर लिया। और उस सहवाग ने अपनी बेटी पल्लवी पल्ल के नाम से ही आपके इस गांव का नाम क्या रखा? पल्लू रखा। ये आज की बात नहीं है, 725 वर्ष पहले की बात है, 725 वर्ष पहले की ये बात है, इस गांव का नाम पल्लू रखा गया। और बाद में इस ब्रह्माणी माता के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, संक्षिप्त में मात्र दो लाइन गाकर के इस भजन को समाप्त कर रहा हूं। तीन भक्त कौन कौन हुए सुनिएगा। अरे धानु भगत और भोजा भगत भाई, भक्ति की नी भारी, तिलोक जी भारी, वो भक्ति की नी, तिलोक जी भारी, वो भक्ति की नी, वो भरी पायो में भारी, ओ माता जी आप बड़ी उपकारी, वो भगिनायु परी कृपा की जो, भगिनायु परी वो कृपा की जो, हो पल्लू गड़ी रे माई, ओ ब्रह्माणी आप बड़ी उपकारी। और पल्लूगढ़ की माता ब्रह्माणी ने सबसे पहले पर्चा किसको दिया था? यहाँ बैठे तमाम मेरे भाई हैं, लगभग औसत मेरी उम्र में छोटे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले ब्रह्माणी का पर्चा किसी को पता है इधर? बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 साहब, सुनिएगा किस किस को प्रथम पर्चा दिया था माता जी ने। अरे खारा दूधा की नाथानी और नोहर की सेठानी, अरे साचा मन सू माता जी ने ढाती, साचा मन सू माता जी ने ढाती, वो प्रथम परिचा माई, ओ ब्रह्माणी आप बड़ी उपकारी।
हरी भगितायू परी कृपा की जो भगितायू परी मां कृपा की जो हे पल्लू गड़ी रे माई ओ ब्रह्मानी आप ही बड़ी उपकारी कुशल सिंह जी राठौड़ माता जी की महिमा गवाई और भजन बनाकर पल्लूगढ़ में अजमीरू महिमा गाई ओ माता जी आप बड़ी उपकारी से आपने कथा सुनी है तो उसी हृदय के साथ जयघोष करें। बोलो श्री ब्रह्मानी मात की, श्री पल्लू गढ़ धाम की।